सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य या रीतिकाल काव्य में हम पढ़ रहे थे केशवदास की रामचंद्रिका में हम केशवदास के पद है उनकी से प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। तो केशवदास के जो पद है काफी अपने पाठ्यक्रम में है तो काफी दिन हो गए हम केशवदास के पद पर से प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। अब आगे देखिए हम क्या कहना चाहते हैं केशवदास। हमने पढ़ा भारत कई संवाद, हमने चर्चा की पंचवटी की चर्चा की, हमने सिया हरण पर भी चर्चा की। तो बताया कि भरत और कैकेयी का जो संवाद है उसमें बताया भरत आके अपने माता से पूछते हैं कि पिता कहाँ गए हैं, तो कहते हैं कि सुरलोक, कहते स्वर्ग लोक चले गए हैं। ये छोटे छोटे संवाद देखो कैसे हैं, क्योंकि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो बताया है पिता कहाँ गए हैं कि सुरलोक ही, फिर पूछते हैं क्यों गए हैं, तो बताए हैं कि सुत शोक लिए, कहते बेटे का जो वियोग है सहन नहीं कर पाए इसलिए चले गए। फिर भरत जी पूछते हैं कि सुत कौन, कहते कौन से बेटे, तो कहते हैं राम। फिर कहते हैं कि कहाँ है अभी राम, कहाँ पे है, तो बताए हैं कि वन लक्ष्मण सिय समेत गए, कहते हैं वन में राम सीता और लक्ष्मण सहित गए हैं। कहते हैं कि वन काल कहाँ, वन में क्या कार्य है, गए हैं वहाँ पर। तो फिर बताया कैकेयी ने मो सुख, मेरे सुख के लिए, तो कहते हैं कि तुम्हें सुख कैसे मिला, तो फिर माता कहती है कैकेयी कि तुमको प्रभुता, कहते हैं तुम्हें राज्य आसन मिले, तो वो कहते हैं धिकार है इसे राज्य आसन पर, आपने तो क्या किया है अपराध बिना सिरलोक किए, आपने तो ऐसा अपराध किया है कार्य कर दिया, हम सब लोग बिना अपराध ही मारे गए कि भ्राता को इतना ऐसे है कष्ट मिला। फिर पंचवटी के वर्णन के बारे में बताया कि सब जाति फटी दुख की टूटी कपटी रहे ना एक घटी, सब जाति फटी दुख की टूटी, सब जाति फटी दुख की टूटी कपटी रहे ना एक कड़ी, निकटी रुचि मिचू घटी घटी जग जीवन ये दिन छूटी तटी। यहाँ लक्ष्मण जी पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हैं, उनकी तुलना शिव जी से करते हैं कि पंचवटी ऐसी है कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन करने से सारे पाप कर्म मिट जाते हैं, इसी प्रकार पंचवटी के दर्शन करने से सारे पाप कर्म मिट जाते हैं। कहते हैं कपटी रहे ना एक घटी, कहते हैं वहाँ कपट तो रही नहीं पाता, कपट निकल जाता है, कपट नहीं रह पाता मन, वहाँ जो हृदय है वो निर्मल पाक पवित्र हो जाता है, कपटी रहे ना एक घटी। फिर कहते हैं वहाँ पर मानव एकदम शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है, मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष मानो मनुष्य एक घड़ी वहाँ रह नहीं सकता, ऐसी पंचवटी है जैसे शिव के दर्शन करने से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। फिर आगे बताया कि सिया हरण में प्रसंग में कवि ने बताया सीता का हरण का वर्णन किया,
कि केशव के वर्णन के अनुसार लक्ष्मण जब पर्णशाला चले जाते हैं तो पीछे से रावण उसे अवसर को देखकर वहां प्रवेश करता है। सीता ने उसे भिखारी जानकर भीख देने के लिए अपने पास बुलाता है और जैसे ही उस नीच रावण ने खोटे विचार के अनुसार जो पहले वेश धारण कर रखा था नकली, अब उसने क्या बताया है भीम संकोच भीम वेश को, उसने अपना जो वेश है उसको क्या किया है, बड़ा किया है, अंतरिक्ष में उड़ चला है अपना रूप धारण करके, और ऐसा लगा जैसे द्वितीय चंद्रमा को राहु ने क्या कर रखा है, पकड़ रखा हो, ऐसा बताया। फिर आगे क्या बताया, सीता क्या कहती है, तो हम चले आगे, बताया है आगे सीता क्या कहती है उसके बारे में बात करें। सीता फिर क्या कहती है, सिया हरण में बताया है, हाँ राम हाँ रमन, हाँ राम हाँ रमन रमन आगे है, हाँ रघुनाथ धीर, हाँ रघुनाथ धीर आगे फिर बताया है, लंका दीनाथ बस नाथ बस लंका दीनाथ बस जानू मोही वीर, जानू मोही वीर आगे फिर बताया है, हाँ पुत्र लक्ष्मण, हाँ पुत्र हाँ पुत्र लक्ष्मण छुड़ाऊ वेगी मोही, छुड़ाऊ वेगी मोही आगे फिर बताया है, मार्तंड वंश जस पाटंड मार्तंड जस वंश की वंश जस की आगे बताया है, जस की सब बाद तो ही बात तो ही क्या बताया, हाँ हाँ राम हाँ रमन हाँ रघुनाथ धीर, लंका दीनाथ बस जानू मोही वीर, पुत्र लक्ष्मण छुड़ावत वेगी मोही, मार्तंड बस दस की सब बात तो ही, सब बात तो ही। तो क्या बताया, यहाँ पे सीता अपने प्रिय को श्री राम को पुकारती है, जैसे ही रावण के वश में होती है तो सीता जी कभी लक्ष्मण को पुकारती है, कभी अपने प्रिय राम को पुकारती है, कहती है सीता कि मुझे रावण ने हरण कर लिया है, वह दीन है रावण के, इसे मुक्ति के लिए लक्ष्मण को पुकारती है। तो क्या कहती है सीता विलाप करती हुई कि हे धैर्यवान राम, हे धैर्यवान राम, हाँ रमन, रमन का आशय होता है जो विचरण करने वाला, तो कहते हैं कि हे धैर्य करने वाले राम, हे रघुनाथ के स्वामी, आप मुझे लंका के अधिपति, लंका के नाथ, लंका के अधिपति जानू मोही वीर, ऐसा समझो मैं उनके वश में हूँ, लंकापति रावण के वश में हूँ, फिर अपने देवर लक्ष्मण को एक पुत्र तुल्य संबंध बताती हुई सीता कहती है कि छुड़ावत बैठी मोही, मुझे इन
इनके चबुल से इनके लक्ष्मण रावण के चबुल से मुझे जल्दी से छुड़वाओ आप लक्ष्मण, आप पुत्र की भांति हो। क्या बताया आगे कि सूर्यवंश के यश पर मार्तंड वंश का अर्थ होगा, जो सूर्य वंश है उस पर कहीं कलंक न लगे, और इसलिए उनकी जो सूर्य वंश की जो प्रतिष्ठा है उस देव बनी रहे, यही यहाँ पे बताया। दुख के भावेग में सीता ने राम के लिए अलग अलग से संबोधन किया, जैसे हे राम, हे रमन, हे रघुनाथ धीर, यानी आप धीरज भी साथ साथ में धारण करें, क्योंकि आपका और मेरा विछोह हुआ है। फिर यहाँ रमन शब्द मानो कहती है कि आप मेरे साथ रहते थे। रमन का आशय जो साथ साथ रमन करता हो उसके लिए आता है, और जैसे ही वो अलग हो जाए तो वियोग दशा है उसके लिए ये शब्द आया। देवर भाभी का जो संबंध है इसका, देवर और जो भाभी का जो संबंध है यहाँ किसके लिए है, पुत्र तुल्य, पुत्र तुल्य संबंध है। कहते हैं मैं आप जो ये सूर्य वंश है, कौन सा सूर्य वंश है उस पे क्या सदैव यश, यहाँ सदैव उनका क्या रहे, यश रहे, उनका क्या न हो आपकी यश बदनामी न हो, इसलिए आप मुझे लंका अधिपति रावण से मुक्त दिलाओ, जिससे अपनी जो प्रतिष्ठा है वो सदैव बनी रहे, ये बताया यहाँ पे। तो चले आगे, आगे क्या बताना चाहते हैं आगे देखिए। अब सिया का हरण हुआ, इसके बाद में बताया कि अशोक वाटिका में रावण सीता, अशोक वाटिका में रावण सीता, वाटिका में राम और सीता का क्या है संवाद। अशोक वाटिका में रावण और सीता का संवाद उसमें बताया है। क्या कहते हैं रावण, क्या कहता है रावण, क्या कहता है देखो। रावण कहता है सुनो देवी, सुनो देवी, सुनो देवी, मोपे कछु, मोपे कछु को दृष्टि कीजे, दृष्टि कीजे। क्या बताया है, इत सोच तो, इत सोच तो, इत सोच तो राम काजे, राम काजे न कीजे, न कीजे, बस दंडकार ने, बस दंडकार ने देखे ने कहू, देखे ने कहू, जू देखो महा, जू देखो महा बावरो हुई, महापावरो होई सोयू। अब रावण अशोक वाटिका में क्या कहता है बताते हैं। अब इसमें एक तो सामान्य अर्थ में है और एक है भक्ति के अर्थ में, तो बताते हैं। इस प्रसंग में सीता से निवेदन करता है रावण अशोक वाटिका में,
क्या कहते हैं जो सामान्य पक्ष है, कौन सा पक्ष है? पहले है सामान्य पक्ष और दूसरा है भक्ति पक्ष। भक्ति पक्ष सामान्य पक्ष में कहता है, रावण कहता है कि हे देवी, सुनो देवी, हे देवी मोपे कछु दृष्टि कीजिए, कहते आप मेरी तरफ देखो, आप मेरे पर भी दृष्टि डालो, कृपा करो, राम के लिए तुम इतना सोच मत करो, इत सोच राम पर कीजिए न, इतना सोच राम पर मत करो। वो तो क्या है, वनवासी है, दंड का निकालने का अर्थ होता वन, वो तो वनवासी है, देखे न कोई, उनको कोई देख नहीं पाता, जो देखो सो बावरो होई। क्या कहता है, उनको कोई देख नहीं पाता, उनका कोई सम्मान नहीं करता, जबकि मैं एक सम्मानित राजा हूँ, मैं एक क्या हूँ, सम्मानित राजा हूँ। राम ऐसे वश में है कि उन्हें देखने वाला बड़ा ही बावरा हो गया हो जाए। तो पहले सामान्य अर्थ में बताया, अशोक वाटिका में सीता है तो बताते हैं रावण बातचीत करता है सीता जी से, क्या कहते हैं कि सुनो देवी आप मेरे पर दृष्टि कीजिए, आप मेरे पर दृष्टि की कृपा की दृष्टि करो, इतना सोच मत करो, राम का जी ने कीजिए, इतना सोचो मत, किसके लिए, राम के लिए, क्योंकि राम तो वन में निवास करने वाले हैं, उनको कोई देखने वाला यानी सम्मान करने वाला कोई नहीं है, और उनको जो देखता है वो क्या होता है, बावला हो जाए। तो ये था सामान्य अर्थ में। अब बताते हैं भक्ति के अर्थ में, तो क्या कहते हैं, हे देवी सुनो मेरे पर भी दृष्टि करो, यानी कि कृपा की दृष्टि मुझ पर भी कीजिए, जिससे मेरा जो शरीर है, ये राक्षसवर्ती का जो शरीर है, ये इससे मैं शीघ्र मुक्ति पा सकूं। देखो दो अर्थ आए, पहले तो यहाँ क्या बताया, पहले तो यहाँ सामान्य अर्थ और अब आया है यहाँ पर भक्ति के अर्थ में। कहते हैं कि आप मेरे पर क्या डालो, दृष्टि डालो, ऐसी दृष्टि डालो जो कृपा की दृष्टि हो। कौन सी दृष्टि हो? कृपा की दृष्टि हो, और उस दृष्टि से मेरा जो शरीर बना हुआ है, ये राक्षस प्रवृत्ति का शरीर है, इससे मैं क्या पा सकूं, मुक्ति पा सकूं। ये निवेदन कर रहे हैं यहाँ पर रावण माता सीता से। फिर क्या बताए, मैं राम के भजन को इतनी प्रमुखता नहीं देता, जिसकी आपकी कृपा दृष्टि को राम भजन इतना कठिन है कि दंडकार ने जैसे पवित्र वन में रहने वाले तपस्वियों में कोई इनके दर्शन कर पाता है, इसलिए आप तो मेरे सामने हो। सुनो कि राम को प्राप्त करने के लिए दंडकार ने वन में जाकर तपस्या करनी पड़ती है, बहुत तपस्या के बाद में उनके दर्शन उपलब्ध होते हैं, लेकिन आप तो देवी हमारे सामने उपस्थित हो, तो फिर क्या बताया कि आप ही की जो कृपा दृष्टि को राम भजन इतना कठिन है कि वो तो तपस्या करने के बाद में मिलते हैं, लेकिन आप तो साक्षात्कार हमारे सम्मुख हो। यदि कोई राम को देखने का प्रयत्न करने में सफल हो जाता है, राम के दर्शन करने में कोई सफल हो जाता है, तो वो बावला हो जाता है शिव की पांति। फिर बताया है कि मैं तो तामसी वर्ती का हूँ, भजन का काम नहीं हो सकता, अर्थात आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दो अर्थों में बताया, पहले सामान्य अर्थ और फिर भक्ति के अर्थ में। भक्ति के अर्थ में बताया, सीता जी से निवेदन करते हैं कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि बनाओ, और जिससे मेरा ये राक्षसवर्ती का जो शरीर है, इसका क्या हो जाए, इसका विनाश हो जाए, जो मेरे पाप कर्म है वो सब मिट जाए। अब देखो कि भक्ति रामचंद्र जी की करते हैं तो वहाँ दंडकार देवी जो तपस्वी है उनको प्राप्त होता है, और तपस जब उनकी भक्ति प्राप्त हो ही जाती है तो कहते हैं शिव की भांति बावला हो जाता है। तो यहाँ पर रावण के कथन से आसक्ति का भाव है, परंतु कवि ने श्लिष्ट
प्रयोग द्वारा भक्ति की यहाँ व्यंजना की है। आगे क्या बताया, आगे फिर सीता क्या कहती है उसके बारे में सुने। सीता क्या कहती है, सीता क्या कहती है रावण को, वो देखें। सीता कहती है, सीता तृण बीज ये बोली। सीता क्या कहती है, गंभीर पानी। आगे क्या बताए, दस मुख सठ को तुम कौन की रात आनी। तृण बीज दई बोली सिए गंभीर बानी, दसमुख सठ को तू कौन की राजधानी। फिर बताए, दशरथ सुत दिवेशी, दशरथ सुत दिवेशी रुद्र ब्रह्म ने बासे, रुद्र ब्रह्म ने बासे निशिचर बपुरा, निशिचर बपुरा तुम क्यों शो मूल न्यासी, मूल न्यासी। क्या बताए हैं यहाँ पे, यहाँ पे बताया है कि सीता ने अपने मुख से वचन उतारे हैं लक्ष्मण, यहाँ रावण को कहती है, क्या कहती है उसी की बात यहाँ प्रसंग बताया है। सीता कहती है कि हे सत रावण, सत मुख जो मूर्ख रावण, दस मुख जो दान कर रखे तो मूर्ख है, मूर्ख रावण तू क्या चीज है, क्या तेरी राजधानी है, तेरा क्या मूल्य है। तृण बीज दई सीय बोली सीय गंभीर बानी, कहते हैं कि दस मुख वाले रावण आप क्या हो, मूर्ख हो, और कौन सी आपकी राजधानी है। और आगे बताता है कि तू तो राक्षस ठहरा, तू तो कौन सा है, निशिचर क्या है, राक्षस है, और तेरा समूह नष्ट हो जाएगा, तेरा जो वंश है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसमें सीता की जो चरित्र है वो ऊपर के सामने आया है कि जो पवित्रता की जो परंपरा है उसका वर्णन किया गया है। मुंह है में तिनका रख या सामने कोई वस्तु रख कर बातें करना एक प्रतिवर्ता नारी की क्या है, विशेषता है, जिससे उसका चरित्र है वो क्या नहीं होता, भ्रष्ट नहीं हो पाता, वही यहाँ पर लोक भावना व्यंजित हुई है। कौन सी, कि तृण बीज यानी तिन का बीज में लेकर सीता रावण से बातचीत की है। जो प्रतिवर्ता होती है वो पर पुरुष से अगर कोई बात करे तो बीज में क्या रखती है, पर्दा रखती है, यही यहाँ बताने का प्रयास किया है, जिससे उसका जो नारी की जो चरित्रता है वो भ्रष्ट नहीं होती, यही यहाँ पे बताया है। तृण बीज दई बोली सिए गंभीर बानी, उसके बारे में यहाँ बताया है। अब आगे क्या बताते हैं, सीता के विरह में राम, सीता के विरह में राम, ओ हम कल चर्चा करेंगे, सीता के विरह में राम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे।
आज मिश्रा ही घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।